Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 3.3, question number 3, 3, 4 and 5 of chapter number 3, linear equations in two variables, standard 10, math subject. Let's start question number 3, fourth number. इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 5 और 6 लेंगे और जो आगे का वीडियो था उसमें मैंने लिया था क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3. Let's start question number 3, 4. The taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. एक सिटी है उसमें जो टैक्सी होती है ना वो चार्ज लेती है दो चार्ज. फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड और सेकंड वन इज अ फिक्स्ड चार्ज. मीन्स आप लोग कितना भी डिस्टेंस करो कितना भी डिस्टेंस कवर करो लेकिन उसमें एक फिक्स चार्ज है वो तो लेगा ही टैक्सी वाला. और दूसरा यहाँ पे है चार्ज पर किलोमीटर. वो तो आपके जितना भी किलोमीटर आपने कवर किया है उसके हिसाब से उसका चार्ज होगा. मीन्स टोटल चार्ज इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर. ठीक है बस इतना क्लियर हो गया. नाउ नेक्स्ट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105. अगर हम लोग एक वो जो सिटी है उसमें टैक्सी में ड्राइव कर रहे हैं ओके उसमें मैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही हूँ ऑटो में बैठ रही हूँ तो मुझे कितने पैसे पेड करने पड़ेंगे 105 रुपीज़. मीन्स जो 105 रुपीज़ है उसमें फिक्स चार्ज भी आ गया और चार्ज पर किलोमीटर भी आ गया. मीन्स 10 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस कवर और टोटल रुपीज इज अ 105. टोटल रुपीज़ टोटल चार्ज इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर. देन वी हैव टू कंसिडर लेट्स कंसिडर फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई. ओके फिक्स चार्ज एक्स वो तो कॉन्स्टेंट होगा उसमें कुछ चेंज नहीं होगा वो तो एक्स होएगा. फिर दूसरा आ रहा है चार्ज पर किलोमीटर. मीन्स 1 किलोमीटर है तो उसमें चार्ज होगा वाई. ओके लेकिन यहाँ पे है 10 किलोमीटर तो कितना चार्ज होगा 10 वाई. फॉर 1 किलोमीटर देयर विल बी चार्ज वाई एंड फॉर 10 किलोमीटर देयर विल बी चार्ज 10 वाई. तो हम लोगों के पास एक इक्वेशन मिल गया एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105. यू कैन सी हियर देखो फिक्स चार्ज भी रुपीस एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज भी रुपीस वाई. हाफ पार्ट में यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हाफ पार्ट में आपको बाद में एक्सप्लेन करोगे. ठीक है तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन बनाया था फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल चार्ज. टोटल चार्ज इज इक्वल टू 105 एंड फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड फॉर 1 किलोमीटर देर विल बी चार्ज वाई एंड फॉर 10 किलोमीटर 10 वाई. देन एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105. इक्वेशन नंबर 1 लाइक दिस. ओके नाउ सेकंड पार्ट एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155. अगर मैं यहाँ पे टैक्सी है उसमें 15 किलोमीटर जितनी ड्राइव कर रही हूँ तो कितने पैसे मुझे पे करने पड़ेंगे 155 रुपीज़. तो टोटल रुपीज़ कितना है टोटल चार्ज 155 इज इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर. फिक्स चार्ज कितना है यहाँ पे एक्स चार्ज पर किलोमीटर एक किलोमीटर उसके लिए चार्ज है वाई. देन 15 किलोमीटर उसके लिए कितना चार्ज होगा 15 वाई. तो क्या होगा हम अपना इक्वेशन एक्स प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155 लाइक दिस सेकेंड इक्वेशन. ओके अब इक्वेशन में क्या फाइंड करना है होमवर्क देखते हैं. व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर. मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर. मींस वी हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज फॉर 15 25 किलोमीटर. ओके टोटल चार्ज में क्या आएगा फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर. तो फिक्स चार्ज क्या है इसमें x और चार्ज पर किलोमीटर तो क्या होगा उसमें 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है y. तो 25 किलोमीटर का कितना होगा 25 y. तो हम वी हैव टू फाइंड x प्लस 25 y. अगर हम लोगों को मिल जाएगा x और y की वैल्यू तो हम लोगों को मिल जाएगी x प्लस 25 y. इट इज़ अ टोटल चार्ज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड.
इसके बाद की जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, उसमें एलिमिनेशन मेथड भी है. लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट सब्जेक्ट एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई, लाइक दिस. ओके, 105 माइनस 10 वाई. क्वेश्चन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2. 105 माइनस 10 वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर जो x दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे रख देते हैं हम लोग. 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155, लाइक दिस. ओके, नाउ 105 एज इट इज माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 5 वाई, प्लस माइनस माइनस एंड वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. 15 माइनस 10 इट विल बी 5 वाई एंड साइन वी हैव टू कंसिडर एज अ प्लस बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन फ्रॉम अ 10. 5 वाई, 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155. ओके, 105y इज इक्वल टू 155. तो क्या होगा यहाँ पे 5y आ गया. ओके, तो 5y मैंने ले लिया. 155 माइनस 105 इज इक्वल टू 50. ओके, एंड y इज इक्वल टू 10. आई गॉट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10. Put the value of y is equal to 10 in equation number 3. X is equal to 105 minus 10. X is equal to 105 minus 10 multiplied by 10. Like this. Okay, done. 105 minus 10 multiplied by 10. 10 multiplied by 10, it will be 100. 105 minus 100, it will be 5. I got the value of X, which is a fixed charge is rupees 5 and per kilometer charge is rupees 10. Now we have to find the total charge for 25 kilometer is equal to x plus fixed charge plus charge per kilometer. Then fixed charge x and charge per kilometer kitna hua hai apna 25y. We have to find the value of x plus 25y, like this. Okay, put the value of x and y. X is equal to 5 and y is equal to 10, like this. X is equal to 5 and 10 is equal to 25 multiplied by 10 is equal to 250 plus 5 is equal to 255, which is our answer. Now 5, a fraction becomes 9 upon 11 if, please pay attention here, if 2 is added to both the numerator and denominator. चलो हमारे पास एक fraction है. क्या है? कुछ है, कुछ पता नहीं है. Let's consider fraction is x upon y. Okay, अब x upon y एक fraction है. If 2 is added to both the numerator and denominator. हमारा numerator है x and denominator है y. तो जो x है numerator उसमें 2 add करेंगे means x plus 2. And y denominator उसमें add करेंगे 2. y plus 2, then x plus 2 divided by y plus 2 is equal to 9 upon 11. A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. X plus 2 divided by y plus 2 is equal to 9 upon 11, like this. Okay? अभी क्या है? इसमें जो equation है वो बन जाएगा cross multiplication. Okay, let's see. जो फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड पार्ट ये जो अपना थोड़ा बहुत फिनिश होगा उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2. ओके, 11 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय वाई 9 वाई प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18. ओके, 11 एक्स माइनस 9 वाई एंड 18 माइनस 22 is equal to minus 4, which is equation number 1. Let's make equation number 2. Let's see. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction means we have to find the value of x and y. Numerator is a x. Add numerator with 3, x plus 3, and denominator with 3, x plus 3 divided by y plus 3 is equal to 5 upon 6, like this. Okay, done. Do cross multiplication. 6 multiplied by x, 6x
plus 6 threes are 18, like this, is equal to 5y plus 5 threes are 50. Then 6x minus 5y is equal to 15 minus 18 and is equal to minus 3. Like this, equation number 2. With the help of substitution method. अभी क्या करेंगे यहाँ पे 11x we have to make x as a subject or y you can make anyone. आप y को भी subject बना सकते हो, x को भी बना सकते हो. मैं यहाँ पे बना रही हूँ x को subject, ठीक है. x is equal to minus 4 plus 9y divided by 11. Like this. Okay, done. Put the value of x in equation number 2. 6x minus 5y is equal to minus 3. इसमें रखना है x की वैल्यू. ओके, 6x minus 5y minus 3. तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली थी हम लोगों को? Minus 4 plus 9y divided by 11. तो जहाँ पे x दिखाई दे रहा है वहाँ पे बस रख देना है x की वैल्यू. And which is x जो यहाँ पे मिल रहा है, which is equation number 3. Okay. Now, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा वो डायरेक्ट करेंगे. देखो, माइनस 6 4 जा 24 प्लस 6 9 जा 54 y. फिर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 है. तो यहाँ पे जो 11 है उसका 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा. माइनस 55 y इज इक्वल टू, यहाँ 11 है वो इस साइड चला जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू माइनस 33. तो यहाँ पे क्या सबसे पहले करना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ओके, और यहाँ पे सेकंड टर्म है. तो जो सेकंड टर्म है उसमें डिनोमीटर में 1 है, फर्स्ट टर्म है उसमें डिनोमीटर में 11 है. वी हैव टू टेक एलसीएम 1 एंड 11 विच इज अ 11. सो देखो, एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो इसलिए. 11 है यहाँ पे, तो हमारा एलसीएम हुआ 11. तो यहाँ पे डिनोमीटर में 1 है, तो यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा उसका 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने हो तो एज इट इज आएगा. यहाँ पे 11 है तो इसका 5y है, उसका 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा. माइनस 5y मल्टीप्लाई बाई 11 इट विल बी माइनस 55 y. मैंने यहाँ पे रख दिया. ओके, डन. यहाँ पे 11 नीचे बचेगा एज अ एलसीएम डिनोमीटर. तो क्या करेगी, 11 को इस साइड ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू माइनस 33. अभी एटम बचा, इसमें क्या करना है, 11 तो निकल गया, यहाँ पे पहुँच गया है. तो 6 को यहाँ पे एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे. माइनस 6 4 जै 24 प्लस 6 9 जै 54 y. लाइक दिस, डन. चलो, 54 y माइनस 55 इज इक्वल टू माइनस y. एंड माइनस 33 प्लस 24 इज इक्वल टू 9. माइनस 9. ओके, एंड y इज इक्वल टू 9. आई गोट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 विच इज इक्वेशन नंबर 4. पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3. Now, x is equal to, we have to find the value of x, so that minus 4 plus 9, y क्या है यहाँ पे, 9, तो 9 multiply by 9 divided by 11, like this, okay, done. यहाँ पे 9 और 9 है, दोनों multiplication में है, तो क्या होगा, देखो, minus 4 plus 9, 9 is 81, minus 4 plus 81 divided by 11 is equal to 7, x is equal to 7. Hence, the fraction is 7 upon 9. Now, 6. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. Let's consider age of Jacob, it will be x, and age of his son, it will be y, like this. Okay, done. 5 years hence means after 5 years. अभी अगर मेरी एज यहाँ पे x है, तो मैंने जो 5 years के बाद कितनी एज होगी, x plus 5. तो वही यहाँ पे हुआ, जैकब के एज है x, प्रेजेंट एज x, एंड फॉर हिज सन प्रेजेंट एज इज y. एंड आफ्टर 5 years जैकब एज इट विल बी x plus 5, एंड फॉर हिज सन, हिज जो उसका सन है उसकी एज कितनी होगी, एज ऑफ हिज सन आफ्टर 5 years it will be y plus 5.
ओके चलो आफ्टर 5 ईयर्स कितनी एज होगी वो तो पता चल गया, लेकिन रिलेशन क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। उसकी जो आफ्टर 5 ईयर्स उसके सन की जो भी एज है उससे 3 टाइम्स होगी जेकोब की एज। तो क्या होगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 वाई प्लस 5, लाइक दिस। ओके डन, फर्स्ट रिलेशन है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आफ्टर 5 ईयर्स जेकोब एज इट विल बी एक्स प्लस 5 एंड एज ऑफ हिज सन इट विल बी वाई प्लस 5। जेकोब एज इज 3 टाइम्स इज सन आफ्टर 5 ईयर्स, तो मैंने कर दिया है यहाँ पे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 वाई प्लस 15 एंड 15 माइनस 5 इट विल बी 10, क्वेश्चन नंबर 1। चलो वो तो हो गया। अभी यहाँ पे जो सेकंड रिलेशनशिप है हम लोगों को यूज़ करना है 5 ईयर्स अगो। 5 ईयर्स अगो मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट एज है मेरी एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स, तो 5 ईयर्स अगो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पास्ट में हम लोगों को जाना है। तो जितनी भी एज अभी है प्रेजेंट में तो पास्ट में कितनी भी एज होगी उससे कमी होगी ना, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस यूज़ करना पड़ेगा। देखो जेकोब्स एज 5 ईयर्स अगो मीन्स माइनस 5 करना पड़ेगा, ठीक है। जेकोब एज वॉज आफ्टर बिफोर 5 ईयर्स अगो, जेकोब एज 5 ईयर्स अगो इट विल बी एक्स माइनस 5 एंड हिज सन एज 5 ईयर्स अगो इट विल बी वाई माइनस 5। ओके डन, चलो इतना तो हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं, वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे जो 5 ईयर्स अगो जेकोब की एज है वो उसके सन से 7 टाइम्स है, तो 5 ईयर्स अगो दोनों की एज मिल गई हम लोगों को एक्स माइनस 5 वाई माइनस 5, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 5, लाइक दिस। ओके एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 35, लाइक दिस। देखो दिस इज अ जेकोब एज एंड दिस इज अ हिज सन एज 5 ईयर्स अगो which is 7 times his son age, like this, which is the equation number 2nd. Now, अभी हम लोगों को क्या find करना है वो देखते हैं। What are their present age? And the present age of Jacob and his son is respectively x and y. Then we have to find the value of x and y. Let's see. From equation number 1, x is equal to 3y plus 10, which is equation number 3. Put the value of equation number 3 in equation number 2. 3y plus 10 minus 7y is equal to minus 30. Okay. 3y minus 7y, it will be minus 5y is equal to minus 30 minus 10, it will be minus 40. Okay. So, kya hoga yahan pe? Minus 5y is equal to minus 40. Done. Now, minus minus plus and y is equal to 10, like this. Put the value of y is equal to 10, equation number 3. 3 multiplied by y is equal to 10. 3 multiplied by 10 plus 10 means 3 multiplied by 10, it will be 30. 30 plus 10, it will be 40. X is equal to 40, like this. Okay, now the present age of Jacob's and his son is 40 years. जो जेकोब एज क्या हो गई 40 ईयर्स एंड हिज सन एज इज 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो हम लोगों को आंसर मिला है आपको उसको रिचेक भी कर सकते हो। क्या यहाँ पे बना था हमारे पास एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 वाई प्लस 5, तो क्या हो रहा है 40 जो इक्वेशन बन रहे हैं दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 उसमें वैल्यू रख दो जो RHS आ रहा है, तो हमारा आंसर है वो राइट है, ठीक है। Now my topic is over. Please share this video.